आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में, यानी कि जो 2022 का जो रिजल्ट है 12th का और 10वीं का, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये थोड़ा न्यूज है, इस न्यूज को कवर करेंगे। क्या है यूपी बोर्ड रिजल्ट? यूपी बोर्ड मूल्यांकन में गैर हाजिर रहे 778 परीक्षक। अब तक 1.78 लाख, यानी कि 1.71 लाख कॉपियां चेक, ये देखिएगा पूरा न्यूज यहाँ तक, यानी कि अब तक कितनी 1.71 लाख कॉपियां चेक हो चुकी हैं। आगे की बात करते हैं, आगे क्या है अपडेट, ये देखिएगा सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में मंगलवार को 778 परीक्षक और 42 हेड परीक्षक गैर हाजिर रहे। यहाँ 6.8 लाख, यानी 6.8 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ चेक होनी हैं और अभी तक सिर्फ 1.7 लाख कॉपियाँ ही चेक हो पाई हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि आप देख पा रहे हो, आप देखिए कितनी, लगभग देखिए लगभग, यदि मैं बात करूँ 7 लाख के लगभग आपकी कॉपियाँ चेक होनी हैं और लगभग 2 लाख कॉपियाँ अभी अभी चेक हुई हैं। समझ में आ गई बात? तो अभी कितनी कॉपियाँ बची हैं आप समझ ही सकते हो। और ये देखिए कब का अपडेट है, ये भी देख लीजिए, ये आज का अपडेट है। देखिए प्रभात खबर, डिजिटल डेस्क, अलीगढ़, और ये 27 अप्रैल 2022, 1:29, यानी शाम की न्यूज है। अब अपने आप लगाइए, ये केवल अलीगढ़ की, यानी कि ये केवल आपका अलीगढ़ की है। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे ज़िले होंगे, वहाँ पर भी कॉपियाँ चेक हो रही होंगी, कुछ परीक्षक अनुपस्थित चल रहे होंगे और कॉपियाँ इसी तरीके से पीछे रह रही होंगी। तो मतलब पीछे रहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी एक ज़िला भी यदि पीछे रह जाता है तो आपका पूरे यूपी का रिजल्ट पीछे रह जाएगा, क्योंकि सभी पूरे यूपी का एक साथ ही रिजल्ट निकलने वाला है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अलीगढ़ का बाद में निकलेगा और बिहार का पहले, मतलब अलीगढ़ का बाद में निकले और कोई डिस्ट्रिक्ट का पहले निकल जाए, या प्रतापगढ़, बलिया, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा नहीं होगा, सभी का एक साथ ही निकलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात, अभी देखिए अभी और क्लियर कर दूंगा आपको, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका 29 तारीख से लेकर 4 मई तक तो वही फेज है प्रैक्टिकल का, फिर उनके प्रैक्टिकल के नंबर अपडेट करने में 2-4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, 4 पे मान लीजिए 10 मान लीजिए। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आपकी जो पेपर यानी कि रिजल्ट है आपका, ऐसा समझिएगा मई के लास्ट तक, मई के अंतिम जो सप्ताह होगा उस तक आ सकता है, आगे की संभावना है, ठीक है। अभी देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है अलीगढ़ न्यूज़। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में मंगलवार को कितना, देखिएगा 778 परीक्षक और 42 हेड परीक्षक गैर हाजिर रहे। यहाँ 6.8 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ चेक होनी हैं और अभी तक सिर्फ 1.71 लाख कॉपियाँ ही चेक हो सकी हैं। यानी कुल मिला के मतलब 6.8 लाख में से केवल 1.71 लाख कॉपियाँ चेक हुई हैं अभी तो। कितनी अब लगा सकते हो आप कितनी की, यदि मैं बात करूँ सीधे सीधे, आपका 5 लाख के लगभग कॉपियाँ अभी जो कितने पड़ी हुई हैं, ठीक है, 5 लाख से भी अधिक की कॉपियाँ पड़ी हुई हैं। वो कॉपी चेक करने में कितना समय लगेगा, ये केवल एक डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है अलीगढ़ की, ठीक है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ऐसे कॉपियाँ रही होंगी। तो मतलब आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है। आगे की बात कर लेते हैं, देखिए गैर हाजिर परीक्षकों के लिए नोटिस जारी, यानी कि जो कॉपी चेक करने के लिए आए हैं उनके लिए नोटिस जारी कर दिया। क्या है, अलीगढ़ में चल रहे यूपी बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में मंगलवार को एक साथ 778 परीक्षक गैर हाजिर रहे। इसके अलावा 42 डिप्टी हेड परीक्षक भी गैर हाजिर रहे। DIOS कार्यालय, देखिएगा पूरा DIOS कार्यालय के सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, यानी जवाब मांगा कि आप क्यों मतलब नहीं आए, मतलब क्यों गैर हाजिर हुए। 4 केंद्रों पर चेक होनी है 6.8 लाख कॉपियाँ, ठीक, ये न्यूज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे क्या है, यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बाद कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। अलीगढ़ ज़िले में 4 केंद्रों पर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। अलीगढ़ के नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज, यानी कि ये 4 केंद्र हैं जहां पर मूल्यांकन की कॉपियां चेक हो रही हैं, यानी नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज, SMB इंटर कॉलेज, रघुवीर सराय इंटर कॉलेज और अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदुआगंज में कॉपियाँ चेक हो रही हैं, यानी कि ये अलीगढ़ की हैं। यहाँ पर कॉपियाँ 4 केंद्रों पर, देखिए वही 6,80,593 मतलब वही इतने कॉपियाँ चेक होनी, यानी इतने लाख, ये गलत लिखा हुआ है, जिसमें से इतनी कॉपियाँ अभी क्या है मिल चुकी हैं, यानी कि इतनी कॉपियाँ जिसमें से अभी मिल चुकी हैं, ठीक। आगे देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं,
बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा की अब तक 1.7 लाख कॉपियां चेक हो चुकी हैं। तो कुल मिला के अब देखिए यहाँ पर अपडेट आप समझ लीजिए क्या है कि 6.8 लाख कॉपी चेक होनी थी, जिसमें से आपका 1.7 लाख कॉपी चेक हो गई हैं। ठीक है, अभी काफ़ी कॉपियां बची, यानी कि 5 लाख के लगभग अभी भी कॉपियां आपकी बची हुई हैं। अब 5 लाख से भी अधिक कॉपियां बची हों उनमें भी समय लगेगा। और आपका अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात करें देख लीजिए, प्रैक्टिकल की यदि मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल में आपका क्या है, देखो ध्यान से समझिए कि जो लास्ट फेज है वो कितने 4 मई को ख़त्म होगा। अभी कॉपी चेक होने में, फिर कॉपी के नंबर काउंटिंग होंगे, उसका रीचेक होती हैं, क्रॉस चेकिंग होती है, फिर नंबर चढ़ते हैं, नंबर चढ़ने के बाद अपडेट होने में भी, रिजल्ट लॉक होने में कितना समय लगता है। तो कुल मिला के बात यह अभी काफ़ी सारा प्रोसेस है। तो कुल में ये मेरा जो संभावना है वो ये कह रहा है कि मई का जो अंतिम वीक होगा, ठीक है, मई का जो अंतिम वीक होगा, अंतिम सप्ताह होगा, तब तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे की वीडियो जल्दी अपडेट करेंगे, मिलेंगे खुश हंसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।